हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी बेसन के लड्डू, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और इन्हें हम बिना चाशनी के बनाएंगे। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर आधा कप घी, ये घर का शुद्ध घी है। हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। शुद्ध घी के बने हुए लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो आप शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करें। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर लो टू मीडियम रखा हुआ है। अब हम इसमें डाल देंगे एक कप बेसन, एक कप प्लस आधा कप मतलब डेढ़ कप। तो एक कप हमने डाल दिया और आधा कप और डाल दिया है। अभी हम इसमें आधा कप सूजी और ऐड करेंगे, तो हल्का सा इसे मिक्स कर लेते हैं। इतने घी डालने के बाद आपको और ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बिना चाशनी के घी बना रहे हैं, तो इतने में बिल्कुल परफेक्टली बन जाएंगे। तो अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम आप लो ही रखें। ये देखिए, अच्छी तरह से इसे भूनना हमने शुरू कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सूजी डालने से इसमें बहुत ही क्रंचीनेस आती है और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। ये जितनी अच्छी तरह से भुनेंगे उतने ही टेस्टी हमारे लड्डू बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल जिस तरह से मार्केट से हम लड्डू लेकर आते हैं घी वाले, बिल्कुल उसी तरह के लड्डू बनेंगे। तो अच्छी तरह से इन्हें भून लेते हैं 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से ये भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए काजू और बादाम। आपको यदि पसंद है तभी डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मिक्सचर बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें शाइनिंग आ रही है, घी बहुत ही अच्छी तरह से देखिए मेल्टिंग हो रहा है। तो बस हमें ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे ठंडा करने के लिए एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो तभी हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। भूनने में 15 से 20 मिनट लगा है हमें। तो हमने मिक्सचर को डाल दिया है एक बर्तन में। ये देखिए, अब ये हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतने मिक्सचर के लिए इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आप कम मीठा या ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे बांधने के लिए ना ही हमें मिल्क का इस्तेमाल लगेगा और ना ही घी का। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। यदि आपके लड्डू ना बन रहे हों तो आप थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही परफेक्टली ये लड्डू बन रहे हैं, ना ही चिपचिपे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई। क्योंकि इनमें घी है ना, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से शाइन हो जाएंगे, बहुत ही परफेक्टली बन जाएंगे। ये देखिए, लड्डू बन गया हमारा। तो बेसन के लड्डू हम सभी को बहुत ही पसंद होते हैं। बिना चाशनी के भी आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने तैयार किया है। तो हम इसी तरह से सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। और अभी ये हल्के गर्म है, तो जब ये ठंडे हो जाएं तब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और आप इन्हें 1 महीने 2 महीने तक खा सकते हैं। तो इसी तरह से हम सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से हम सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे सारे लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इन्हें ठंडा करके रख लीजिए या फिर इस तरह से थोड़ा सा गार्निश कर लीजिए पिस्ते से, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी बेसन के लड्डू। आप इन्हें घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।